आज हम सब पढ़ने वाले हैं बोहर मॉडल के अनुप्रयोग, और सबसे पहला इसका अनुप्रयोग है विभिन्न कक्षाओं के त्रिज्या। नीट की हम डिवीजन क्लास ले रहे हैं और उसी क्रम में आज हम बोहर मॉडल के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्या पर चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी को ऑलरेडी पता भी होगा कि परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। यह न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर एक सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। अक्सर जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, और यहां पर अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जिसे आकर्षण बल कहते हैं, हिंदी में आकर्षण बल कहते हैं। याद रखिएगा, जो बोहर मॉडल है वो हाइड्रोजन के लिए ही सत्य है, और इसमें यह बात कही गई कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। उस समय इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं, उसमें जो सबसे पहला बल है वो आकर्षण बल है और जो दूसरा बल है वो केंद्र बल है। आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स, केंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रखिएगा, आकर्षण बल का जो मान है यह बराबर वो है जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यह जेड एटॉमिक नंबर और ई न्यूक्लियस का चार्ज है, और ये जो ई है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और साथ में अपॉन आर स्क्वायर। हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था जो दो चार्ज Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर को बताता है, दो चार्ज के बीच के फोर्स को बताता है। यहाँ पे उसी की बात हो रही है। तो हमारे पास प्रोटॉन का चार्ज जेड ई है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है अपॉन आर स्क्वायर। याद रखिएगा, जब भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तब उस इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं। पहला बल है आकर्षण बल जो F बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है, और दूसरा बल है अभिकेंद्र बल जो F बराबर MB स्क्वायर बटे R होता है। MB स्क्वायर बटे R। आकर्षण बल समीकरण एक है, अभिकेंद्र बल समीकरण दो है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। जब नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है तो एक बल है जो उसको बाहर की ओर संतुलित करता है, वो है अभिकेंद्र बल। इसी के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं, मतलब जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर होता है MB स्क्वायर अपॉन आर। एक आर से एक आर कैंसिल, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू MB स्क्वायर, ये हमारे पास दिया हुआ है। मान लीजिए हमने इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब हमको पता है बोहर लॉ से, बोहर के अभिग्रहित नियम से, जो हमने कल बताया भी था, कि जो MBR होता है वो NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोशों में चक्कर लगाते हैं, पर वही इलेक्ट्रॉन कोशों में चक्कर लगाते हैं जिसके लिए कोणीय संवेग का मान, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू H अपॉन 2 पाई के बराबर हो। MBR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अब हमको पता है कि यहां से B का मान निकाला जा सकता है, MRV के गुणे में है, इधर जब जाएगा तो बटे में आएगा तो 2πmr हो जाएगा। अब जो ये भी का मान आया है, इसको समीकरण तीन में रखने पर, भी के इस मान को समीकरण तीन में रखने पर, रख दीजिए, भी के इस मान को समीकरण तीन में रख दीजिए। जैसे ही भी के मान को समीकरण तीन में रखेंगे तो जेडी स्क्वायर अपॉन आर एम, और भी का मान है NH अपॉन 2πmr का स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया जेड स्क्वायर अपॉन आर एम, एन का स्क्वायर एन स्क्वायर, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल, एक एम से एक एम कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास आ गया जेड स्क्वायर बराबर
एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एक एम और एक आर। रेडियस निकालनी थी इधर भेज दो और जेड स्क्वायर को यहां भेज दो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसमें से हमारे पास एच स्क्वायर प्लैंक कांस्टेंट है, एन स्क्वायर को अलग ही दिया, 4 वाई स्क्वायर की भी वैल्यू फिक्स होती है, ई स्क्वायर की भी जेड। इस पूरे को कांस्टेंट मान लिया और बराबर और कांस्टेंट हटाते हैं, एन स्क्वायर अपॉन जेड। यदि हाइड्रोजन के लिए निकाले तो जेड बराबर एक रख सकते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे मैंने आपको बोहर मॉडल के अनुप्रयोग में विभिन्न कक्षाओं की जो त्रिज्या कैसे निकालेंगे उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब देखिए, हमने देखा कक्षाओं की त्रिज्या निकालने के लिए हमारे पास r बराबर क्या वैल्यू आई थी, उस पूरी वैल्यू को यदि सॉल्व करेंगे 0.529 आएगा, n स्क्वायर अपॉन जेड है और रिंग स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा, रखना चाहें यदि मीटर में तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, और यदि इसको सेंटीमीटर में भी जानना चाहें तो एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 10^-8 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इससे रिलेटेड बातें करूंगा मैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आगे करेंगे, लेकिन विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्या निकालने के लिए यह है सूत्र जो मैंने आपके सामने बता दिया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, r बराबर 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, जहां पर n नंबर ऑफ सेल है। तो चलिए, इलेक्ट्रॉनों का वेग, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या देख चुके थे, इलेक्ट्रॉनों का वेग देखना है। इलेक्ट्रॉनों के वेग के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला आया, फॉर्मूला मिला हमको, जो कूलाम्बिक बल है वह केंद्र बल के बराबर होता है, और वहीं से हमको वी स्क्वायर का मान भी मिला। फिर हमने इसमें भी कोणीय संवेग की वैल्यू को रखा था, और सारी चीजों को जब हमने सॉल्व किया था तो इसमें हमें जो आंसर प्राप्त हुआ था वो वी बराबर 2.18 इंटू 10^6 जेड अपॉन एम मीटर पर सेकेंड प्राप्त हुआ। ये हमारे पास है, ये हमारे पास वेग का उत्तर है। वी को जब भी निकालना हो तो 2.18 इंटू 10^6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड से निकालेंगे। त्रिज्या के लिए तो आप सभी को ऑलरेडी पता है त्रिज्या के लिए सूत्र क्या होता है, मैंने आपको यह वेग के लिए भी सूत्र बता दिया है, और अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे क्या अपन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए आइए ध्यान से हम सारी चीजों को देखते हैं और देखते हैं क्या हम कर पा रहे हैं, ये चीजें हमसे आ पा रही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, हाइड्रोजन की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हमारे पास त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। आप सभी को पता है Rn बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ये त्रिज्या निकालने का सूत्र। अब हाइड्रोजन के लिए कोस की संख्या एक भी रखनी है, दो भी, तीन भी, तो मान लीजिए मैंने n बराबर एक रखा तो R1 0.529 इंटू n की वैल्यू एक रखा, और हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है जेड वो एक ही होता है, एक का स्क्वायर एक और एक एक ही रहेगा। R1 बराबर हाइड्रोजन के पहले कक्षा के लिए जो त्रिज्या आएगी वो 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगी। आप बोलेंगे सर दूसरी कक्षा के लिए भी निकाल के दिखाइए। ये देखिए, n बराबर दो रखेंगे, अब 0.529 इंटू n स्क्वायर
टू रखना है इस बार, और जेड इसका एटॉमिक नंबर तो वन ही होता है। एंगस्ट्रॉम 0.529 इंटू टू का स्क्वायर 4 हो गया, नीचे की वन की कोई वैल्यू नहीं। 4 × 36 का 6, हासिल 3, 4 × 2 = 8, 3 × 11 की 1 हासिल 1, 4 × 5 = 20, 1 = 21, फिर सुन और 2.116 एंगस्ट्रॉम। आप इसी प्रकार मुझसे यह भी जानना चाहते होंगे कि सर तीसरे और चौथे की भी बताइए, तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड की नोट डाउन कर लीजिए, हम आपको समय दे रहे हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे के लिए देखिए, n = 3 रख दिया, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, 0.529 एन स्क्वायर 3 का स्क्वायर जेड 1 एंगस्ट्रॉम, 0.529 3 का होगा 9, नीचे की 1 की कोई वैल्यू नहीं। 9 × 9 = 81, 1 और 8, 9 × 2 = 18, 18 × 8 = 26 का 6, 2, 9 × 5 = 45, 2 × 7 4.761 एंगस्ट्रॉम। आप देख पा रहे होंगे, अब आप बोलेंगे चौथे कक्षा की त्रिज्या निकालिए, चलिए देखते हैं आगे। जब हम इसके चौथे कक्षा की त्रिज्या निकालेंगे तो देखिए n = 4 रखेंगे, R4 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, 0.529 इंटू एन स्क्वायर 4 का स्क्वायर जेड की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम, 529 इंटू 16 एंगस्ट्रॉम, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 8.646 आंसर आएगा हमारे पास। चेक कर लीजिएगा आप इसको करके, इस प्रकार से आप करेंगे हाइड्रोजन के पहले दूसरे तीसरे और चौथे कक्षा की त्रिज्या इस प्रकार से आप निकाल रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब इस बार जो दूसरा क्वेश्चन है, इस बार हीलियम की तीसरी व पांचवी कक्षा की त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो चलिए अपन देख लेते हैं। हीलियम तीसरी कक्षा के लिए R3 = 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, क्या हो जाएगा 0.529 इंटू एन की वैल्यू 3 का स्क्वायर और जेड की वैल्यू हीलियम के लिए 2 होती है एंगस्ट्रॉम, 0.529 इंटू 9/2 एंगस्ट्रॉम, जो मान लीजिए हमने निकाले तीसरे के लिए। पांचवे के लिए निकालना है तो बेटा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, यहां पे 0.529 इंटू एन स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर अपॉन जेड 2 एंगस्ट्रॉम, तो ज्यादा 0.529 इंटू 25 अपॉन 2 एंगस्ट्रॉम। अब हम तीसरे कक्षा की त्रिज्या और पांचवें कक्षा की त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे, 0.529 इंटू 9/2 एंगस्ट्रॉम अपॉन 0.529 इंटू 25/2 एंगस्ट्रॉम,
दोनों कैंसिल हो गया, ऊपर 9/2 है, ये ऊपर जाएगा तो 2/25 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, अरे 9/25 आ गया। त्रिज्या का जो अनुपात होगा वो 9:25 होगा। इस प्रकार हमको समझ में आ गया है कि हीलियम के तीसरे और पांचवें कक्षा की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। हमने आपको बता भी दिया है कि पांचवें और तीसरे कक्षा की त्रिज्या का अनुपात कैसे निकाला जाए, क्या है उत्तर, क्या गया। आगे बात करते हैं, अब हाइड्रोजन की सेकेंड कक्षा व लिथियम प्लस टू की थर्ड कक्षा की त्रिज्या अनुपात ज्ञात करें। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं? यदि आप ज्ञात कर सकते हैं तो आप अपनी कॉपी में इसे निकालिए, बाकी सेम ही है जैसा पहले था वैसा ही है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन के लिए सेकेंड कक्षा के लिए 0.529 × 2 का स्क्वायर परमाणु क्रमांक 1 एंगस्ट्रॉम, 5 × 9 = 4 एंगस्ट्रॉम, नीचे की मन की कोई वैल्यू नहीं, 36 × 6 हासिल 3, 4 × 2 = 8, 3 × 11 के हासिल 1, 4 × 5 = 20, 21 के हासिल 2, हो गया 2.116 एंगस्ट्रॉम। नहीं करना चाहते यहीं तक सॉल्व करके छोड़ सकते थे। उसके बाद लिथियम 2 प्लस के लिए उसके थर्ड कक्षा की 5 × 9 = 3 का स्क्वायर और साथ में जेड 3 होता है इसका, 9/3 3 × 9 R2 और R3 क्या हो जाएगा इसका, 5 × 9 = 4 एंगस्ट्रॉम था, 5 × 9 × 3 एंगस्ट्रॉम है, कैंसिल हो जाएगा, 4:3 आएगा। बिल्कुल इन दोनों के बीच भी त्रिज्या का अनुपात 4:3 आया है और हमने आपको 4:3 ला करके दिखा भी दिया है। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे रेशियो निकालते हैं, या आपको बातें अब क्लियर हो गई होंगी, बेहतर तरीके से आप इसको कर पा रहे होंगे और बेहतर तरीके से आप इसको समझ पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं, अब हम सब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाइड्रोजन की सेकेंड उत्तेजित अवस्था व लिथियम प्लस टू की फर्स्ट उत्तेजित अवस्था का त्रिज्या अनुपात निकालिए। हम सभी को पता है त्रिज्या निकालने का सूत्र, Rn बराबर 0.529 × n² / z एंगस्ट्रॉम है। हमको हाइड्रोजन के सेकेंड के लिए निकालना है तो 2² हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 4 एंगस्ट्रॉम। बात करें लिथियम के फर्स्ट उत्तेजित अवस्था की 0.529 × 1² और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, 0.29 × 1/3 एंगस्ट्रॉम। देखते हैं त्रिज्या का अनुपात
देखिए ऊपर 4 है, नीचे 1/3 है, ऊपर जाएगा 4 × 3/1 हो जाएगा 12/1 हो जाएगा, 12:1 आया होगा। अच्छा थोड़ा सा इरर कर दिया हमने, ठीक है। गड़बड़ी थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया। यदि कोई यहीं पे चीजें समझने की आवश्यकता थी कि जब सेकंड उत्तेजित अवस्था, यही गलती होगी आपसे, जब सेकंड उत्तेजित अवस्था की बात करेगा तो आपको तीसरा कोर्स रखना पड़ेगा। और जब वो फर्स्ट उत्तेजित अवस्था कहेगा तो दूसरा कोर्स रखना पड़ेगा, आगे एक बढ़ाकर रखना पड़ेगा। थैंक यू। कैसे? देखिए सेकेंड उत्तेजित अवस्था कह रहा मतलब इसके थर्ड के लिए निकालना है। एन स्क्वायर, ठीक है, 0.529 मल्टीप्लाई करेंगे या ऐसे छोड़ देंगे। अब इसके लिथियम के लिए फर्स्ट उत्तेजित अवस्था, इसके सेकंड के लिए निकालेंगे। ऊपर 9 है, 4/3 है, ऊपर जाएगा 27/4 आएगा, 27:4 आएगा। क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी और चीजों को आप बेहतर तरीके से महसूस भी कर रहे होंगे। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है और वेग ज्ञात करने का सूत्र आपको ऑलरेडी पता है। अभी चक्रों की संख्या निकालना तो हमने नहीं बताया है ना, उसके फॉर्मूले के बारे में डिटेल बात किया है, लेकिन हाँ वेग निकालने के लिए हमने आपको सूत्र बताया है, उसी पे बात करेंगे। देखते हैं, वेग निकालने के लिए सूत्र है 2.18 × 10⁶ n/z मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला होता है, गड़बड़ी हो गई कुछ? अच्छा डेढ़ अपॉन एन एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का वन, तीसरे कक्षा के लिए निकालना है 321
तीन दूनी छह, इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा मीटर पर। ये हमारे पास वेग होगा। इस प्रकार हम वेगों की बात करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना है, उस पर भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का गणना कैसे करेंगे, इसके लिए भी सूत्र है। EN बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस फॉर्मूले के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे ऊर्जा के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आगे। ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं आगे, आयनीकरण ऊर्जा विलगित परमाणु की आद्य अवस्था से, मतलब वर्तमान अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। कोई परमाणु है, उसके बाह्यतम कोष से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, उस समय जो ऊर्जा देते हो उसे आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। प्रत्यारण ऊर्जा उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रत्यारण ऊर्जा कहलाती है। और उत्तेजन ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था से किसी उत्तेजित अवस्था में स्थानांतरित करने में लगने वाली ऊर्जा उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। देखिए हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जिसमें आयन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड उत्तेजित अवस्था के लिए लिथियम 2+ की आयन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सेकेंड उत्तेजित अवस्था बोला है तो n बराबर 3 रखेंगे क्योंकि तृतीय कोष में होगा वो, और हमको पता है इसका फॉर्मूला भी कि जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है E बराबर -13.6 3 का स्क्वायर और n 3 का स्क्वायर 9/9 कैंसिल इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं। हीलियम प्लस की फर्स्ट और सेकेंड उत्तेजित अवस्था के लिए ऊर्जाओं की अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, यदि पहले के लिए ज्ञात करेंगे तो 2 रखना पड़ेगा। कैसे, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 2 का स्क्वायर एन स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? अब उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड उत्तेजित अवस्था के लिए। तो जेड तो वही होगा पर एन 3 का स्क्वायर होगा 4/9 होगा। दोनों का रेशियो निकालेंगे
ये तो कैंसिल हो गया है, ऊपर चला जाएगा तो 9/4 हो जाएगा, मतलब 9:4 आएगा। ये बात भी हमने समझ लिया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आवश्यक ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गणना करनी है। आयनन ऊर्जा का मान हमको पता है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है, और मूल अवस्था की ऊर्जा हमको पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और फर्स्ट उत्तेजित अवस्था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। दोनों को आपस में सॉल्व कर दीजिए E2-E1 से। E2-E1 -3.4 -13.6 -+ कर लेंगे सॉल्व। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार हमने आज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं और कंप्लीट कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।